सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ कार्बी आंग्लोंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस में, जहाँ पे हम लोग जब ऑफ होता है ना गाइस, तो दोस्त लोग का साथ वहाँ पे जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है। और चलिए, कौन सा जगह है कार्बी आंग्लोंग का बहुत ही खूबसूरत, बहुत लोग पता हो ही चुका होगा, कार्बी आंग्लोंग का बहुत ही एक सुंदर सा वाटरफॉल है, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो गाइस, मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग ही मेरा साथ है, इसलिए मैं अकेला फील कभी करता ही नहीं हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, जब रहता हूँ मैं अकेला, लेकिन अकेला फील नहीं करता, क्योंकि आप लोग भी मेरा साथ है। बाइक का बारे में भी वहाँ पे जाके आपको डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ बाइक का बारे में, और बाइक का मैं नाम क्या रखा हूँ सब कुछ वहाँ पे जाके बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल मैं लगाया हूँ इंस्टा 360 X3, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए निकालते हैं और दिखाते हैं कार्बी आंग्लोंग का बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस। नाम अभी नहीं बताऊंगा गाइस, वहाँ पे जाने के बाद ही दिखाता हूँ कौन सा जगह है। तो मैं आया हूँ गाइस कार्बी आंग्लोंग का बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस, लांगभुकु वाटरफॉल, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल मैं आके पहुंच गया हूं और अपना बैटमैन को यहां पे खड़ा कर दिया हूं, और उसका बाद अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जहां पे वाटरफॉल से जो पानी जो बहता है वहां पे दिखाऊंगा। उसका बाद आपको बाइक का बारे में जितना डिटेल से मैं सब कुछ बताऊंगा। और यहां पे देख सकते हैं आप लोग, सब लोग पार्टी उटी कर रहे हैं यहाँ पे। आज थोड़ा कमती है, क्योंकि थोड़ा सा धूप जो है थोड़ा सा कमती हो चुका है इसीलिए, और यहाँ पे गाना उना चल रहा है पूरा। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ के लिए जाने के लिए थोड़ा सा मुझे एक पहाड़ पे, थोड़ा सा पहाड़ मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा दूर है वहाँ पे। और यहाँ पे देखे ना, हाँ यहाँ पे भी आराम से आदमी लोग बैठ के मतलब थोड़ा पार्टी उटी, जैसे थोड़ा चील उल बियर वियर खाते ही यहाँ पे ज़्यादातर तो आने के बाद। तो अभी मैं अकेला आ रहा हूँ, तो ज़्यादातर आदमी सोच रहा होगा क्या कर रहा पागल जैसा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ यहाँ से निकलने के बाद बाइक का जो है, बाइक का बारे में उसका बात ही बताऊँगा। अभी मैं पहुँचने वाला हो गया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे पानी का जो आवाज़ जो है वो आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी लेके चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पत्थर पे मुझे चढ़ के जाना पड़ेगा। आई होप यार गिर ना जाऊँ मैं, क्योंकि मेरा गिरने वाला आदत बहुत ज़्यादा है, पता नहीं थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा चढ़ता हूँ ना पहाड़ वहाड़ में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। जैसे सिगरेट वगैरह खाने का बाद जो होता है ना, वही हाल है। आप लोगों को व्यू थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी मैं यहाँ से सीधा ऊपर जाऊँगा, उसका बाद और अच्छे से दिखाता हूँ। आगे मैंने ये सब बनाया हुआ नहीं दिया गया था पत्थर पत्थर से, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, और शायद एक दो का यहाँ पे डेथ भी हो चुका है, इसीलिए ये अभी बना के दिया गया है। तो अभी ऊपर में चलते हैं, चलिए अच्छा हुआ ये बना दिया गया है। एक साल हो गया मैं वहाँ से ना कूद गया था यहाँ पे, और यहाँ से सीधा यहाँ पे गिरा था। अच्छा हुआ कि नीचे में एक लेडीज़ बैठा हुआ था, उसका शरीर में जाके गिरा हूँ इसीलिए बच गया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा चोट नहीं लगा। लेकिन वो लेडीज़ अगर नहीं होता तो मेरा ख़त्म हो जाता हालत। देखिए ऐसे बहुत ज़्यादा आदमी होता है, लेकिन अभी ठंडा तो थोड़ा सा घुस चुका है, मतलब थोड़ा सा अभी गर्मी कमती हो चुका है, इसीलिए थोड़ा आदमी कमती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यार। आदमी बहुत कम है, ज़्यादातर आदमी यहाँ पे पार्टी करने के लिए आता है, मौस मछली बियर वगैरह पीने के लिए आता है ज़्यादातर। और अभी यहाँ पे शायद इसीलिए ठंडा हो चुका, पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसीलिए यहाँ पे आदमी नहीं। लेकिन एक व्यू है ऊपर में, आपको लेके चलता हूँ अभी, एक व्यू है अभी वहाँ पे चलते हैं फटाफट, और इसका 360 से उसका व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे। मालूम नहीं हो पाएगा या नहीं पाएगा, ट्राई करते हैं अभी जाके ऊपर। अभी मैं हेलो, हाँ अच्छा ऊपर में जगह है ना, चलो चलो चलो। तो अभी फिलहाल वो लोग भाई लोग जो है जाके आया है, अभी मैं जाऊँगा ऊपर पे। मैं ना कसम से बोल रहा हूँ गाइस, मैं आज तक ऊपर में गया नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ शायद, मैं 5-6 बार तो यहाँ पे आ ही चुका हूँ, लेकिन ऊपर में मैंने आज तक गया नहीं हूँ। तो मैं आज जाके ऊपर में देखूँगा कैसा है, और आप देख ही पा रहे हो व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और हम लोग ना लास्ट टाइम यहाँ पे आने का टाइम बहुत ज़्यादा नहाया था, लेकिन अभी ना थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो मैं अभी नहाऊँगा नहीं, क्योंकि अकेला आने में मज़ा नहीं है गाइस। मतलब हो ना, आप लोग तो हो साथ में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तब भी अकेला मज़ा नहीं आता नहाने के लिए ना, थोड़ा पागल जैसा लगेगा अकेला नहाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर में, और ऊपर में दिखाऊंगा कि कैसा है। तो अभी फिलहाल मैं ऊपर से आ चुका हूँ, और थोड़ा सा टॉप पे यहाँ पे भी है, हाँ थक चुका हूँ। तो और यहाँ से भी ऊपर से मैं अच्छा से व्यू दिखाऊँगा आप लोगों को, भाई साहब सब लोग आ रहा है। आपको ना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए बहुत ही दिल नहीं करता है, क्योंकि कुछ हो जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, ना रहा बांस और ना बाजू की बांसुरी, कोई वाला हाल हो जाएगा। अभी यहाँ से कूद के जाना है, चलिए कूद जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यार, मैं पहली बार आया यार यहाँ पे। ना कचरा उचरा करके रखता है, वही सबसे बड़ा गलत है, खाओ पियो यार एक जगह में जमा करके जाओ, ये क्या आदत है यार, है कि नहीं। खाया पिया चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो कचरा वो जमा करके जाना चाहिए, क्योंकि
अगर हम तो चलो यहाँ का ही है, अगर टूरिस्ट कोई दूर से आता है तो देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशन जो है बहुत ज़्यादा गलत गिरता है। बहुत मतलब क्या बताऊँ, हम लोग अगर कहीं जाऊँ और वो जगह वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेशन डाउन, क्या बताऊँ। तो अभी इंस्टा 360 से मैं कोशिश करता हूँ करने के लिए, पूरा व्यू लेने के लिए। फिलहाल आप लोगों को इंस्टा 360 से दिखाने के लिए कोशिश किया, अभी हो पाया नहीं पाया, वीडियो जब एडिट करूँगा तभी मालूम चलेगा। तो अभी मैं निकलता हूँ और बस यही है यहाँ पे। प्राय मतलब ज़्यादातर आदमी जब संडे होता है, अपना जो रेस का दिन होता है काम वूम करने के बाद, यहाँ पे आता है मतलब थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा आया, आप लोगों को भी दिखाया मेरा घर का पास क्या है क्या नहीं है, मैं आज तक ज़्यादा दिखाया नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सुंदर से वो जो झरना का पानी गिरता है उसका हवा जो है बहुत अच्छा से आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा कूलर का जैसा काम कर रहा है, अभी आपको सेम कूलर का जैसा लगेगा यहाँ पे। ये देखिए ना, कूलर का जैसा आ रहा है, मज़ा आ गया यार। तो अभी यहाँ से निकालते हैं और अभी आ तो गया पूरा चढ़ाई में चढ़ के, अभी उतरने के लिए बड़ा दिक्कत है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं ना तो चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उतरते हैं ना उसका हमें ज़्यादा दिक्कत लगता है, कहीं गिर ना जाऊँ यार, अकेला हूँ, पर उठा के ले जाने के लिए भी कोई नहीं है साथ में। ओए गिर गया था यार। तो गाइस मैं फिलहाल वहां से वाटरफॉल से निकल चुका हूं और मैं अभी फिलहाल हूं वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे, और बाइक का बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, एक करके आपको बस जितना मतलब मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना बताऊंगा, और अगर कुछ छूट जाते हैं इसका बारे में, अगर आपको जानने का दिल है तो आप बता दीजिएगा कॉमेंट करके, मैं अगर नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसी में मैं आप सब लोगों को बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बाइक के बारे में बता दूं, बाइक का जो है ये BMW GS 310 का है, बाकी जो मैं इसको परचेस किया हूं, आप लोग मेरा वीडियो देखे थे उन लोगों को सबको पता ही होगा कि मैं ये कहां से परचेस किया हूं, मैं परचेस किया हूं कलकत्ता से गए। तो अभी मैं इसका बारे में आपको सबको बता दूं, तो ये जब परचेस किया था मुझे ये ऑन रोड गिरा था 4,04,000, बाकी जो एसेसरीज है इसका बारे में मैं बहुत ही ज्यादा बहुत दिन हो चुका है, तो मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एसेसरीज में कितना गया। और एसेसरीज में आपको बता दूं, ये गार्ड था, क्रेश गार्ड है, ये भी एक्स्ट्रा लगाया गया है, क्रेश गार्ड अलग है, लाइट है इसमें, ये विंडशील्ड है एक्स्ट्रा, जो ये भी एक विंडशील्ड अलग अलग आता है इसमें, ये देख सकते हैं ये भी अलग है, ये भी विंडशील्ड अलग है। उसका बाद मेरा लगा इसमें इंजन प्रोटेक्टर है, उसका बाद मैं लगाया था यहाँ पे टॉप बॉक्स लगाया है, उसका बाद लगाए यहाँ पे जाना का ही टॉप प्रोजेक्ट जो आता है वो लगाए, उसका बाद लगाए यहाँ पे मोबाइल होल्डर, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल होल्डर, ये बहुत जरूरी है, और ये मोबाइल होल्डर जो है ये भी अलग है, उसका बाद यहाँ पे जो मोबाइल होल्डर जो अटैच किया गया वो भी अलग लगाया गया है। उसका बाद मैं लास्ट टाइम लगाया हूँ यहाँ पे जाना हैंडल बार लगाया यहाँ पे थोड़ा सा हाइट यहाँ पे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे और लगाया यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये लगाया हूँ टायर हगर बोलते हैं क्या इसका, कीचड़ उचर नहीं मारने के लिए, जो भी है खैर। उसका बाद मैं लगाया हूँ स्टैंड का गार्ड लगाया हूँ यहाँ पे, छोटा छोटा चीज बहुत है यहाँ पे। तो खैर बात ये रहा कि मैं ये बाइक क्यों परचेज किया हूँ, KTM 390 और स्ट्रोम का 250 हिमालयन भी चेक किए थे, लेकिन मुझे इतना खास नहीं लगा गाइस, क्योंकि मैं क्या बताऊँ मुझे वो कम्फर्ट चाहिए, और उसका बाद भी मेरा बजट जो था थोड़ा सा ढीला था, इसके लिए मैं क्या सोचा कि V-Storm का तरफ जाऊँ, उसका बाद रॉयल एनफील्ड भी था, उसका बाद KTM 250 था, उसका 390 भी था। तो मैंने जब उन लोगों को देखा और चलाया तो मुझे इतना खास नहीं लगा, हाँ हो सकता है किसी को अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसका जो कम्फर्ट मैं बताऊँ ना गाइस, इस सेगमेंट में जितना भी बाइक आता है, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, चाहे KTM 390 हो, चाहे V-Storm हो, इसका मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका कम्फर्ट लेवल जो है वो A1 है गाइस। इसका मैं बताता हूँ, आप लोग चला के देखिए कभी, बहुत ही ज्यादा इसका कम्फर्ट है, इसका कम्फर्ट का मतलब कोई मैं बता नहीं सकता। हाँ उसका बाद सर्विस का अभी मान सकते हैं आप लोग, KTM का सर्विस शायद मेरा हिसाब से 2,000 से लेकर 2,500 का अंदर में होता है, लेकिन मेरा जो बैटमैन का जो सर्विस है मतलब BMW GS का जो सर्विस है वो एक साल में एक बार होता है, या तो आप 10,000 में एक बार कर सकते हैं। और इसका मेरा फास्ट जब सर्विसिंग मैंने किया था, फास्ट सर्विस कॉस्ट इसका मेरे निकल के आया था मोटा मोटी 8,900, क्योंकि मेरा लगभग 6,000 जैसा में हो जाता, लेकिन मैं बार बार नहीं जाने वाला था, इसलिए मैं बोला कि जो सर्विस सेंटर भैया था उसको मैं बताया कि इसको सर्विस जो करेंगे थोड़ा अच्छा तरीके से कर दीजिए, जो भी अगर चेंज करना है, जो नेक्स्ट बार चेंज करना है तो इसको अभी करा दीजिए, इसीलिए इसका सर्विस कॉस्ट मुझे गिरा मैक्सिमम 8,800 जैसा गिरा। उसका बात और इसका जो अभी माइलेज जो है मुझे बहुत अच्छा ही मिल रहा है, 28 तो मिल ही रहा है मुझे, मैं जब देखा तो 28 मुझे मिल रहा है,
और ये जब आप चला के जाएंगे ना छोटा से लेकर बड़ा आदमी तक, इसको एक बार मुड़ के देखेगा ही देखेगा, इसका रोड प्रेजेंस थासू है। मतलब क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा रिएक्शन जो आता है, रिएक्शन जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन आता है। और कोई पूछता है कि यार ये कौन सा बाइक है, ये BMW का कितना आता है, मतलब देखने से ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा महंगा बाइक है, लेकिन महंगा है थोड़ा सा ज्यादा है, 4 लाख तो मान कोई कमती अमाउंट नहीं है, रेले भी बहुत ज्यादा ही है, तब भी 4 लाख का अंदर में जितना इसका रोड प्रेजेंस मिलता है और किसी सेगमेंट में नहीं आएगा आपका। बात आप ये जब चलाएंगे आपको बहुत बड़ा बाइक चलाया जैसे आपको फील आएगा, और देखने के लिए भी ना जब देखेंगे ना रोड पे तो बहुत ज्यादा ह्यूज और बहुत ज्यादा हाइट में आप चलाते हुए आपको फील आएगा। फील मतलब क्या, रियल में आपको वही फील आने वाला है, बहुत बड़ा बाइक आप चला रहे हैं, आपको ये फील कभी आएगा ही नहीं कि हाँ 310cc का बाइक चला रहे हो। आदमी भी सोचेगा नहीं कि ये 310cc का है। मैंने इसको एक बार भी टेस्ट ड्राइव नहीं किया, मैंने जब गया था लास्ट टाइम मैंने GSA चलाया वहाँ पे, जो फिलहाल विकास दाने लिया है। ये लेने का बात मैंने ये सोचा नहीं था, क्या है बताऊं, बैटमैन जो है कार्बिया लॉन्ग का फास्ट बाइक है, BMW का जो बाइक है हम लोग का कार्बिया लॉन्ग का, ये फास्ट बाइक है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिला ये बात जब मुझे और लोगों ने बताया कि हाँ कार्बिया लॉन्ग में BMW GS का 310 नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुवाहाटी में भी एक होगा शायद, एक दो है गुवाहाटी में, ऐसा बात नहीं है। सभी लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है, अगर कोई BMW का बाइक परचेस करने चाहते हैं और 2-3 महीना का अंदर गुवाहाटी में BMW का वर्कशॉप खोल रहे तो बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा वो। आप कहीं से भी गाड़ी, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी गाड़ी खरीदिए, सर्विस सेंटर गुवाहाटी में जब खोल जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि कोई टेंशन ही फ्री हो जाएंगे, पूरा की पूरा पूरा टेंशन फ्री। बस यही है, और मैं अभी फिलहाल इसको लेके कहाँ जाऊंगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। अगर कोई मेरा साथ जाने चाहते हैं टूर में तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला दिसंबर पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आने जाने के लिए। तो अगर कोई जाने चाहता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, एक साथ चलेंगे मजा आ जाएगा बहुत। और राइड में ग्रुप में मतलब बाइक चलाने मजा अलग है कुछ। देखिए ना बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और ये रहा बैटमैन। बस यही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।